फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन केक, जो बिल्कुल गुलाब जामुन के स्वाद वाला है और जिसे हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन मिक्स के साथ। तो मतलब अगर आपको गुलाब जामुन का बहुत शौक़ है और इतनी मेहनत आपसे नहीं हो पाएगी, तो इस तरीके का केक बनाना बहुत आसान है और ये एकदम गुलाब जामुन के फ्लेवर वाला होता है। तो चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। गुलाब जामुन केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हमने एक कप हल्का गरम दूध लिया है। ध्यान रहे, हमेशा हल्का गरम दूध ही लें। और इसके अंदर आधा टेबलस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हमने अलग रख दिया है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये दूध थोड़ा सा कर्डल्ड हो गया है, मतलब कि फट गया है। बस हमें ऐसा ही दूध चाहिए, इसे हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। अब हमने एक केक टिन लिया है जो कि 8 इंचेस बाय 3 इंचेस का है, मतलब लंबाई में ये 8 इंच है और चौड़ाई में ये 3 इंच है। इसके अंदर एक बटर पेपर डाल के रख दिया है और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे। बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें हमने ऐड किया है आधा कप कुकिंग ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। और इसके बाद हमने इसके अंदर जो दूध हमने पहले प्रिपेयर किया था नींबू का रस डालकर, उसे डाल देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी भी बीटर से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा सा आपस में कम्बाइन हो जाए। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2/3 कप यानी कि 2/3 कप पिसी हुई चीनी, साथ ही 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैदा, और इसे हम छन्नी से अच्छे से छान लेंगे और इसमें बिल्कुल भी गुठली ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गुलाब जामुन मिक्स। तो ये जो गुलाब जामुन मिक्स है, मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस का गुलाब जामुन मिक्स लिया है जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है। और आप इसकी जगह गेट्स का या किसी और कंपनी का भी गुलाब जामुन मिक्स ले सकते हैं, जो आप बनाते हो घर में, जो आपको पसंद हो फ्लेवर वो ले लीजिए। और उसका 1 कप गुलाब जामुन मिक्स मैंने इस बैटर के अंदर डाला है। साथ ही हम इसके डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चाहे तो आप इसे बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर गोल और लंबे मोशंस देते हुए आप इसे कट एंड फोल्ड मेथड से भी मिक्स कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमारा बैटर बनकर तैयार है। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है, मतलब ऊपर से जब हम इसे गिराते हैं तो रिबन पैटर्न में नीचे आता है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। अब इस बैटर को हमने जो केक टिन प्रिपेयर किया था उसके अंदर डाल देंगे। तो केक टिन के अंदर मैंने इस बैटर को डाला है। याद रखें, अगर आप इस तरीके का केक टिन यूज़ कर रहे हैं तो इसे आधा या उससे हल्का सा ही ज़्यादा भरें, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें स्पंज जाता है और हो सकता है आपका बैटर बाहर गिर जाए। तो मैंने इसे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरा है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के रखा है। ये ऑलरेडी पहले का यूज्ड किया हुआ नमक है। इसके अंदर मैंने एक गोल्ड रिंग रखी है और इसे कवर कर दिया है। ये हमारा ओवन का काम करेगा। तो गैस पर इसे मैंने प्रीहीट किया है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट तक कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद हमने इसके कवर को या ढक्कन को हटाया है। इसके अंदर अब हम हमारे केक टिन को रख देंगे और उसके बाद फिर से इसके ढक्कन को या कवर को हम ऊपर से इसके ऊपर रख देंगे और कढ़ाई को फिर हम गर्म करेंगे 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, मतलब लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम के बीच में हम फ्लेम को रखेंगे और इसे ढक कर लगभग 30 मिनट तक हम अच्छे से गर्म करेंगे। आप 5 मिनट कम ज़्यादा और इसे रख सकते हैं चेक करने के बाद। तो देखिए, 30 मिनट के बाद मैंने इसे अनकवर किया है और आप देख सकते हैं कि जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हुआ है। इसके अंदर एक टूथपिक डालकर हम देखेंगे, टूथपिक क्लीन आ रही है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो केक टिन को हमने बाहर निकाला है और इसे हमने कम से कम 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद किसी भी नाइफ से, चाकू से आप इसके एजेस को अलग कर लें केक टिन से, और उसके बाद हम केक टिन को उल्टा कर 3 बार टैप करेंगे जिससे हमारा केक इससे बाहर आ जाएगा। तो देखिए, बहुत आसानी से केक इससे अलग हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम पीछे से इसका बटर पेपर भी हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो केक का कलर है वो बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है और ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट लगता है और एकदम गुलाब जामुन का फ्लेवर इसमें आता है। तो फ्रेंड्स, केक बहुत स्पॉन्जी बना है, इसे हम किसी भी चाकू से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। तो एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसा है और बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है ये। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप केक को ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, पर अगर आपको रियल गुलाब जामुन का स्वाद चाहिए तो आप एक तार की चाशनी बनाएं और उसके अंदर कुछ लच्छे आप सैफ्रन यानी कि केसर के डाल दें और उसे धीरे से ये पूरे केक पर ऊपर से ढलका दें।
तो ऐसा करने से धीरे धीरे ये केक वो चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, और जो केक हमें फाइनली मिलता है वो पूरा की पूरा गुलाब जामुन के टेस्ट जैसा ही होता है। ये खाने में बहुत लाजवाब लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये एकदम नए तरीके का केक है, बहुत आसानी से बन जाता है, एंड आई होप आप इसे ट्राई करेंगे तो ज़रूर पसंद करेंगे। और अगर आपको ये केक पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।